Hello, so welcome again to another beautiful episode of Reaction on the channel. If you see me for the first time, you're welcome. My name is Daniel and you're welcome to Daniel Reacts. What we do on this channel is to keep you entertained with a lot of engaging content that will also educate and also enlighten you in various aspects. So if this is what you love or you love to watch, what you need to do is to hit on the subscribe button, like our videos, and also drop a comment in the comment section telling us what you think and your thoughts about the video. So without further ado, don't forget to also share our videos. It helps us to build the brand better. And you can tend to support the channel with a little you can. Check the description. You will see Buy Me a Coffee, where you tend to support us with a little you can, which is on the screen. So thank you and let's dive into today's video. मुझे लगता है इस बार फिर से एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। I hope you all are aware about the murder and rape case of a female resident doctor inside the hospital. बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। मेरा हॉस्पिटल वहां से 3-4 घंटे की दूरी पे है। हम सेम सिचुएशन में सेम कंडीशंस में काम करते हैं। पिछले 5 दिन में our life is just about this. We are fighting to our level best. हर रोज कैंडल मार्च, हर रोज रैली, जवाब मांग रहे हैं पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, हर मीडिया बोल रहा है कि एक ही इंसान का काम था, ये था इंसान, बस केस को जैसे तैसे करके क्लोज किया जा रहा है। आई विल टेल यू द होल स्टोरी एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। उन्होंने 11th-12th कंप्लीट करी, नीट यूजी दिया, 5.5 साल की MBBS करी, नीट PG क्लियर करा, ठीक है, रेजिडेंसी शुरू हुई, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर में वो थी 36 आवर्स की ड्यूटी पे वो गई। एक बार तुम अपनी जगह पे उसको इमेजिन करके देखना। योर लाइफ वॉज गोइंग फाइन, यू आर वर्किंग सो हार्ड इन योर लाइफ। 36 घंटे की ड्यूटी पे गई, 11 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल करा कि मम्मा एवरीथिंग इज फाइन, आई एम फाइन, आई एम गोइंग ऑन राउंड, राउंड में हम पेशेंट को देखते हैं, आप सो जाओ। पेरेंट्स सो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। 2 बजे के आसपास आपको जैसे तैसे करके टाइम मिला, आपने डिनर करा और फिर आपने सोचा एक बार सेमिनार रूम में जाके, वहां पे बेड लगे हुए थे तो वहां पे जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट लोड बहुत कम हो जाता है और जूनियर्स, इंटर्न्स, जैसे तैसे कोई ना कोई ऐसा होता है जो संभाल लेता है। वो वहां पे रेस्ट करने गई, वो 3 बजे रात में, हम जब सब लोग सो रहे थे, यार एक बार सोच के देखो, हम सब सो रहे थे, वो किस कंडीशन से गुजर रही होगी। उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं, वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं। उनकी आंटी ने बोला कि जब देखा उनको, चश्मे टूटे हुए, आंखों में गड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जितना सीमन मिला है, चाह के भी एक इंसान 2 से 3 बार भी चाकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं मिल सकता। इट वॉज अ गैंग रेप। सोच के देखो, पूरी बॉडी पर इंजरीज, मुंह पे, फेस, हर जगह पर। सुबह 7 बजे के आसपास पेरेंट्स को कॉल किया गया, मस्त सो रहे हो, सब नॉर्मल जिंदगी चल रही है। पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल करके बोला आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अब तुम लोग रहोगे तो तुम लोग भी पैनिक करोगे ना, तो हर पेरेंट्स पैनिक्ड एंड दे कॉल्ड बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। कोई कॉल नहीं उठा रहा है, थोड़ी देर बाद उठाया, उन्होंने बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्या हालत होगी यार तुम्हारी, आपका बच्चा, आपके बच्चे के बारे में ही आपको कोई ढंग से कुछ बता नहीं रहा है। वो लोग अपने एक दो पड़ोसियों को लेके पहुंचे हॉस्पिटल, 3 घंटे तक खड़े रहे, किसी ने अंदर उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी। आपका बच्चा, आपको कोई अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, अंदर सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा, वरना क्या क्या रीजन क्या है कि 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया, पेरेंट्स को, और किसी का उसके ऊपर हक कैसे बनता है, मां बाप को नहीं देखने दे रहे। 3 घंटे तक उन्होंने वेट करा और जब पापा अंदर गए, शी वॉज नेकेड, मतलब दिस इज द वर्स्ट एवर थिंग एक बाप के लिए जो हो सकती है।
पहले सुसाइड कह के उनको साइकोटिक घोषित करके मामला बहुत अच्छे से क्लोज करने की कोशिश करी। जब उठ गया मामला उसी दिन हमको पता चला, हमारे यहाँ पे उसी दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, मामला बढ़ा। अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को पकड़ा, पैसे वैसे दे देते हैं, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ वो इंसान नहीं हो सकता, नंबर वन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि इतना ज़्यादा सीमन वजाइना के अंदर से मिला, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट एक इंसान का काम, ठीक है। दूसरी चीज़, उनके ही पैथोलॉजिस्ट का सारी वीडियोस, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एकदम फैक्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ, मेरा हॉस्पिटल पास में ही है, हमारे पास जितनी पर्सनल वीडियोस, जितनी पर्सनल चीज़ें शेयर हो रही हैं आई डोंट थिंक वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, एंड हम लोगों में से भी कोई उन चीज़ों को डालेगा नहीं। हमने उनकी डेथ के बाद की फोटो देखी है एंड दैट पिक्चर हॉन्ट्स, लाइक ऑल दिस सिचुएशन एवरीथिंग, दिस इज जस्ट सो ट्रॉमेटाइजिंग। 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान का नाम ले दिया, तुम एक बार खुद सोचो, यू आर समवन हुज नॉट इनसाइड, हु डजंट नो अबाउट द हॉस्पिटल मच, ठीक है, ठीक है, आप पेशेंट को लेके आते हो कई बार, तुम 4 बजे के आसपास आए, यू रेप्ड वन डॉक्टर, यू मर्डर्ड दैट डॉक्टर, एंड 5-6 बजे के आसपास निकले, तुम्हारे गले में वो ब्लूटूथ होते ना गाना सुनने वाले, वो तुम्हारे गले में था, वो वहीं पे गिरा रह गया, यू डिड नॉट बॉदर टू टेक दैट बैक, तुम घर जाके मस्त सो भी गए। मतलब कहानी पे इंसान विश्वास करे तो करे कैसे, पर कहानी बना दी। पुलिस का कहना है कि ये इंसान है, इस इंसान ने, इसके ब्लूटूथ वहां पे पड़ा रह गया था तो हमको कैमरे में वो जाता हुआ नजर आया, हमको शक हुआ, हमने उसको बुलाया, ब्लूटूथ उसके फोन का ऑन कराया, ऑन करा के करके देखा तो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब उसने किया। और फिर उस इंसान ने मान भी लिया कि हाँ ये सब मैंने किया और मेरे को फांसी दे दो, वो ये भी बात भी मान गया। यार हो ही नहीं सकता यार। तो अगर ये सच था, 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो गया था, तो अभी 4 दिन से पिछले कुछ आगे उसके ऊपर कोई उसके बयान क्यों नहीं आ रहे, उसने कैसे करा, क्यों करा, वो सब चीजें दो ना। बहुत मुझे लगता है पता नहीं इसके पीछे कौन है, समवन हु इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिसको बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे हॉस्पिटल में हमने पहले नॉन इमरजेंसी सर्विसेज ऑफ करी, ओपीडीज ऑफ करी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। जब इमरजेंसी सर्विसेज भी ऑफ करी, अभी हमारे प्रोफेसर्स उन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, उनकी नौकरियां हैं, नौकरियां छिन जाएंगी, दे आर सपोर्टिंग अस बहुत, बट अभी इंटर्न्स का काम, ब्लड निकालने वाला छोटे मोटे काम हमारे प्रोफेसर्स को करना पड़ रहा है, दे आर डूइंग घंटों घंटों नाइट ड्यूटीज, डे ड्यूटीज, वो सब मैनेज कर रहे हैं। इट फील्स सो बैड टू सी अ पेशेंट, हमारे हॉस्पिटल में 100 किलोमीटर्स की रेंज में कोई भी और दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास कैब तक करने का पैसा नहीं है, वो हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इट फील्स सो बैड टू सी देम गोइंग बैक। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर तो नहीं बनी थी, बट अभी हमें लगता है यार अगर अब हम वीक पड़ गए तो ऐसे तो ये चीजें होती रहेंगी, कभी बंद ही नहीं होगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में बहन, माँ, बेटी, किसी के साथ हो जाए और उसके बाद जवाब भी नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स और कुछ और दूसरे पार्टी के मेंबर्स हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेके गए, हाईकोर्ट ने सबसे पहली बात पूछी कि वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया है, उनका अभी तक बयान ही नहीं लिया गया, उनको उन्होंने बोला मैं इस कॉलेज से रिजाइन कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने कॉलेज से रिजाइन करा, अगले ही दिन साइड के कुछ किलोमीटर दूर के कॉलेज का प्रिंसिपल उनको बना दिया। क्यों? कोर्ट ने जवाब मांगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। पेरेंट्स से 3 घंटे तक क्यों नहीं बेटी को मिलने दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। सीबीआई को सारी चीजें बोल रहे हैं सौंप दी गई, कहां है सीबीआई, कहां है क्लैरिफिकेशन,
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे माँ बाप तक नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, मेरे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट इंसान मेरे बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन मेरा फोन मेरे बारे में सब कुछ जानता होगा, इस बात की गारंटी है। उनका फोन कहाँ है? जिन जूनियर्स के साथ उन्होंने रात को डिनर किया, उनके बयान कहाँ हैं? किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? एक इंसान का काम नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कह रही है, मैं नहीं कह रही, आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, मैं कोई आइडियाज ये सब नहीं बोल रही हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। यार एक किसी के साथ इतना बुरा किया गया है, एटलीस्ट फॉर गॉड्स सेक इंसाफ तो दे दो कम से कम। क्या किया जा रहा है पता है? जिस सेमिनार रूम में ये सब हुआ उसके पास का कमरा तोड़ना शुरू कर दिया रिनोवेशन के नाम पे। जब लोगों को आवाज आई, पता चला, तब वहां पे लोग भागे, तब जाके उस चीज को रोका गया है। मैं बोल रही हूं, मतलब मुझे नहीं लगता इस, हम जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ भी होने वाला है। सारे सबूत मुझे लगता है सब कुछ मिटा दिए गए, कुछ नहीं बचा वहां पे, सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। हर तरीके से इस केस को क्लोज करने की कोशिश की गई है। एंड इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ वुमन हु इज वर्किंग अपनी वर्क प्लेस में। अगर मैं सेफ नहीं हूं तो फिर मैं कहां खुद को सेफ मानूं? तो मैं क्या फिर जिंदगी भर घर में बंद होके बैठ जाऊं? ऑल द यंगर जनरेशन जो मुझसे सवाल पूछ रही है कि क्या हम एक्चुअली सेफ है कि नहीं है, क्या ये प्रोफेशन सेफ है कि नहीं है। मॉब अटैक इज सो कॉमन। हम लोग गाइनी में पोस्टेड थे, रात में कभी कुछ हो जाता है, किसी को कुछ भी हो जाता है, पेशेंट पार्टी अग्रेसिव हो जाती है, अटैक करना स्टार्ट कर देती है, हम लोग लिटरली भागते हैं, पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस आएगी 4-5 घंटे में, तब तक पेशेंट पार्टी हमको वैसे मार चुकी होगी। हम अपने बैचमेट्स को कॉल करते हैं, लड़कों को, कि यार फटाफट से आ जाओ, यहां पे मॉब अटैक हो गया है, प्लीज सेव अस, प्लीज हेल्प अस। ये हालत है। ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी आर नॉट मेंटली फाइन, अब तो मतलब हर इंसान पे शक होगा। और मुझे नहीं लगता, मतलब इट इज वेरी आई डोंट नो, पर मुझे नहीं लगता ये काम किसी इंसान का जो बाहर से है, जिसको कुछ नहीं पता हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उसका हो सकता है। दिस इज समवन हुज फ्रॉम इनसाइड, उन्होंने ही ये चीजें करी हैं। काफी सारी मैसेजेस ईमेल्स मेरे पास हैं उस कॉलेज से भी, जो लोग बोल रहे हैं कि ये है, इन्होंने किया है, पर उनके ऊपर मेरे पास कोई श्योर चीजें नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बोला वो वही चीजें बोली जो सच है और जो मेरे सवाल हैं, विच आई वॉन्ट टू आस्क। वी डिड अ रैली लास्ट डे, हर कोई साथ है, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, एवरी वन वॉज टूगेदर। पूरा रोड शुरू से लेकर लास्ट तक, दूर तक भरा हुआ था। हमारी दीदी का खून ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू देयर। मेरे को पता है यू आर वेरी स्मॉल और मे बी जस्ट इन अ रैंडम पार्ट ऑफ द कंट्री, सोशल मीडिया इज पावरफुल। अपनी स्टोरीज पे टॉक अबाउट इट, अपने रिलेटिव से व्हाट्सएप पे टॉक अबाउट इट। और रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमारे साथ यहाँ पे एक्टिवली नहीं आ सकते, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट, ताकि जो अगली आ रही जनरेशन है, जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को बता सके, उनके अंदर एक विमेन के लिए बचपन से ही रिस्पेक्ट आ सके। दिस इज नॉट डन, दिस इज सो बैड। मतलब सुबह हम रैली में बैठ रहे हैं, शाम को रैली में बैठ रहे हैं, कल दिन में फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे ट्राइड अ न्यू जिम एंड दे आस्क्ड मी, तू एक बार वो कोशिश करके देख, उनकी इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं दिन में गई और बहुत दूर है,
अच्छा खासा मैं दूर भी गई वैसे ही देखने के लिए, एक दिन के लिए, कि अगर सूट करेगा तो देखते हैं. आई वॉज नेवर स्कैर्ड ऑफ गाइज. कल मैंने उसकी मम्मा की वीडियो देखी जो मैंने अभी आपको बताया कि उनको कैसी कंडीशन में वो मिली थी, तब देख के ही जस्ट गई थी वहां पे, जाके 9-10 लड़के थे. आई ट्राइड एक्सरसाइजिंग बट 5 मिनट्स के अंदर अंदर आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीद. आई वॉज फीलिंग सो स्कैर्ड. इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू शेयर अबाउट दिस एज मच एज पॉसिबल. दैट्स द बेस्ट यू कैन डू. टॉक अबाउट इट. इस बार, एटलीस्ट इस बार, जब तक कुछ तो असर पड़े. मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ मिलने वाला है, लेकिन कुछ असर जब तक पड़े तब तक लेट्स नॉट बिकम वीक. वो जोश जो होता है ना हमारा, 2 दिन हाई होता है उसके बाद हम ढीला कर देते हैं. लेट्स नॉट डू दैट. दैट्स ऑल. दिस वॉज हर स्टोरी. दीज वर माई फ्यू क्वेश्चंस विच आई वॉन्टेड टू आस्क एंड माई रिक्वेस्ट. इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट अगैन, प्लीज हेल्प अस. इट्स वेरी बैड. I'm very scared. I work in the same state. वो तो मेट्रो सिटी में हुआ, मैं तो एक पेरीफेरी के कॉलेज में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ हालत और ज़्यादा ख़राब है. मेरा सिर्फ गाइनी ओवर हुआ है अभी, पीडियाट्रिक्स ओवर हुआ है, माइनर पोस्टिंग्स हुई हैं. आई स्टिल हैव मेडिसिन टू कम, आई स्टिल हैव सर्जरी टू कम. आई एम सो स्कैर्ड ऑफ डूइंग नाइट ड्यूटीज. मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी. Let me have your own thought and view relating to this particular one and in line. Please drop it in the comment section. No insulting words, let's know what cause is seen in the comment section. So I'll be expecting your comments. Drop it in the comment section. So if you want us to be friends, why not? Hit on the subscribe button, turn on your post notification bell so you get notified on YouTube anytime videos like this drop. For all our returning subscribers, I appreciate you all for always coming back to check on any of the updates or videos we have on the channel. I appreciate you all. I don't take your love for granted. You guys are the real MVP. So thank you guys. I appreciate you. I want to write to this particular one. All right, belongs to the rightful content creator of this great piece of art. Which I don't intend to infringe on the copyrighted materials. The main purpose of this video is to educate, enlighten you, and also inspire you and the little knowledge you haven't known. So thank you. If you intend to support this channel, why not? Check down the description, you'll see where you can support the channel. Buy me a coffee. That way you tend to support us with the little you can. Let's build the brand better. I know with your support, with everyone's support, with our collective support, this brand will further. So thank you. Don't forget to like. It helps the algorithm to push this video to a larger audience. And let's build the brand better. So thank you. See you in the next one. Do what? Stay put, stay safe, and stay subscribed. Before I forget, if you have a video recommendation you want me to react to, drop it also in the comment section. I'll be excited to react to the video of your choice. Take on your way. See you in the next video. It's bye for now.